नमस्कार, मैं हूँ सुमेस्ता बिश्नोई और आज के आप ये लाइव तस्वीरें बीकानेर के एमएम ग्राउंड से देख सकते हैं। बीकानेर के अंदर पुष्करणा ब्राह्मण समाज का आज यहाँ पर जो है एक महाकुंभ का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके अंदर जो भी आगामी कार्यक्रम होने वाले, किसी भी प्रकार के जो भी आगे कार्यक्रम होने वाले हैं, उनकी आज यहाँ पर समाज के जितने भी व्यक्ति हैं उनके द्वारा बैठ कर यहाँ पर जो है बैठक कार्यक्रम एक तरीके से आयोजित किया गया है। और आज के इस खास कार्यक्रम में राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कला जी भी पहुंचने वाले हैं। और देखिए ये पीछे तस्वीरें आप एमएम ग्राउंड से सीधी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए बेहद ही बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है समाज के व्यक्ति पहुँच रहे हैं। इसके अलावा सभी का यहाँ पर पहुँचने के बाद में बेहद ही आभार रूप से स्वागत भी किया जा रहा है। लाइव तस्वीरों के अंदर आप ये खास तस्वीरें बीकानेर से देख सकते हैं। हमारे साथ में इस समय राजकुमार जी जुड़ चुके हैं, जो कि आज के इस खास कार्यक्रम के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार सर। बीकानेर में 27 साल बाद पुष्करणा महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान पुष्करणा ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष महेश जी व्यास के द्वारा यह बीड़ा उठाया गया है। भारी उत्साह है लोगों में, पूरे भारतवर्ष से सभी लोग यहाँ हमारे समाज के आ रहे हैं। और इसके साथ साथ बीकानेर में जो पूरे भारतवर्ष में हमारे समाज के रत्न हैं, उनका 121 लोगों का यहाँ पुष्करणा रथ से सम्मान किया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 40% महिलाओं को, वो भी जो बच्चियाँ 20 साल से 35 साल की है और अपने समाज का नाम उन्होंने अच्छी तरीके से रोशन किया है, उन लोगों का सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। आप देख रही हैं कि महिलाओं का गौर का आज त्यौहार होने के बावजूद भी महिलाएं बड़े उत्साह के साथ यहाँ आ रही हैं और लोगों का आना लगा हुआ है। ये कार्यक्रम बहुत ही यादगार कार्यक्रम रहेगा हमारे समाज के लिए, पुष्करणा समाज के लिए। आज के इस कार्यक्रम में कितने व्यक्तियों के पहुंचने का अनुमान? हमने करीब 10,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था कर रखी है। बिल्कुल लोग आएंगे और आकर के यहाँ आशीर्वाद समाज के लोगों को जरूर देंगे। जी, और आपका शुभ नाम? संतोष कुमार अंगा। आज का मुख्य उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करने का, महाकुंभ के रूप में? ये एक पुष्करणा महाकुंभ है। जी जी जी। ऑल इंडिया के जितने भी पुष्करणा समाज के लोग हैं वो एक मंच पे आए और जो समस्या है उनको अपनी बताएं और उसके आगे जाके उसकी समस्या का हल कर सके समाज, ये उद्देश्य है। जैसा कि इन्होंने बताया आज का ये कार्यक्रम बहुत ही खास है, पूर्ण भारतवर्ष से यहाँ पर समाज के लोग पहुँचने वाले हैं और एक बैठक का यहाँ पर गठन किया जाएगा। इसके अलावा जो भी समाज के अंदर मुख्य व्यक्ति है, जो भी समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। हमारे साथ में इस महाकुंभ के अंदर एक मुख्य व्यक्तित्व भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार मैम, आप नमस्ते, परिचय दीजिए। मैं श्रीमती सुधा आचार्य, साहित्यकार समाज सेविका, दो नंबर वार्ड की पार्षद। जी जी जी। तो आज के इस महाकुंभ के अंदर महिलाओं का किस प्रकार से सहयोग रहने वाला है? देखिए, भारत राष्ट्र में सनातन शाश्वत संस्कृति है। महिलाओं के सहयोग की बात आप कर रहे हैं, यहाँ तो देवी और देवता बोला जाता है। अनादि काल से ही महिलाओं के सहयोग के बिना किसी भी समाज का कोई कार्य होता ही नहीं है। और फिर पुष्करणा ब्राह्मण, ब्राह्मण तो वो समाज है जिसकी आवश्यकता सभी समाजों को पड़ती है, और ब्राह्मण को जो पुश करती है, जो अपना दायित्व निभाने के लिए सदैव प्रेरित करती है, वो होती है महिलाएं। तो महिलाओं का दायित्व तो पुरुषों से भी ज्यादा है। किसी के भी समाज को जोड़ने में महिलाएं अपना सबसे महत्वपूर्ण दायित्व निभाया करती है। और आज के इस कार्यक्रम में क्या उद्देश्य रहने वाले और क्यों आयोजित किया गया है? क्यों का कारण आज के इस वैश्विक युग में, क्यों का कारण स्पष्ट है। जब सभी समाज संगठित होकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहा, एक सामंजस्य बिठा रहा है। क्योंकि पुष्करणा ब्राह्मण समाज के जो व्यक्ति हैं उन्होंने संपूर्ण विश्व के अंदर अपने झंडे गाड़े हुए हैं, उन सबको एक ही जाजम पे लाने का कार्य आज हम कर रहे हैं। दूसरी आवश्यकता आपने जो बताई, उद्देश्य क्या है, समाज को आगे से आगे बढ़ाते रहना। क्योंकि दीपक में बाती जलती है, उसमें घी डालते रहते हैं तो बाती जलती रहती है। उसी प्रकार से यदि हमारा वैचारिक मंथन होता रहेगा तो हम उन्नति करते रहेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि समाज को एक संगठित रूप में बैठाना एक मुख्य उद्देश्य है आज के इस महाकुंभ का। मैं आपको दिखाना चाहूँगी किस प्रकार से पीछे बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भी समाज
महाराज के व्यक्तित्व है वे पहुंचते ही जा रहे हैं। बहुत ही बड़ा आज का ये खास कार्यक्रम है और यहाँ पर करीब पूर्ण भारतवर्ष से 10,000 व्यक्तित्व पहुँचने वाले हैं, जिनमें से जो भी समाज के मुख्य व्यक्तित्व है उनको यहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा। समाज के अंदर आगामी कार्यक्रमों के साथ में समाज के जितने भी व्यक्ति हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसके लिए इसका नाम पुष्करणा महाकुंभ आज यहाँ पर रखा गया है। और पीछे आप देख सकते हैं व्यक्तियों में कितना ज़्यादा उत्साह है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगी पीछे किस प्रकार से यहाँ पर जो है आज जो कार्यक्रम के अंदर व्यक्ति पहुँचने वाले हैं उनके लिए व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से बनाई गई है, बेहद ही सुचारू। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग यहाँ पर जो है सीट्स बनाई गई हैं ताकि वे आराम से बैठ सकते हैं। और इसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए कूलर्स की भी व्यवस्था की गई है। मैं सुमेश्ता बिश्नोई, कैमरा में सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से, धन्यवाद।